अरे वाह, आज कितना अच्छा मौसम है। बिटवा, आंगन की सफाई हो गई? हो गया ग्रैनी। ये किसका है? कहां से आया? ये तो बिल्कुल किसी चिड़िया जैसा लग रहा है। ग्रैनी को जाकर दिखाता हूँ। नहीं नहीं, अगर मैंने ग्रैनी को दिखाया तो ग्रैनी मुझसे 100 सवाल करेगी। किसने दिया? कहां से लेकर आया? अरे बुढ़ऊ, ये तो बोलेगा जरूर ये कहीं से चुरा कर लेकर आया होगा। देख ले क्या हाल हो गए तेरे बिटवा के। ओह नो। नहीं नहीं, इसको मैं ना छुपा कर रखता हूँ, ग्रैनी को नहीं दिखाता। रोबोट, तुमने मेरा होमवर्क कर दिया? नहीं, मैंने तुम्हारा होमवर्क नहीं किया। और मैं तुम्हारा होमवर्क क्यों करूं? क्यों करूं मतलब? अरे बर्ड मैन ने तुम्हें मेरी मदद के लिए दिया है, तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा? वैसे मित्सुओ, तुम्हारा बैच कहाँ है? बैच? अरे मेरा बैच कहाँ गया? Oh no! अरे कहीं उड़ते हुए बैच नीचे तो नहीं गिर गया? और अब बैच कहाँ होगा मुझे कुछ पता भी नहीं है। अब क्या होगा? बर्डमैन को पता चला ना तो वो मुझे जानवर बना देंगे। कितनी लापरवाह हो तुम। तुम्हारे चक्कर में मुझे भी बर्डमैन ने गायब कर दिया तो मेरे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पता नहीं मेरा बैच कहाँ होगा। ये क्या हो सकता है? ये किसी खजाने की चाबी तो नहीं? लॉकेट, खिलौना, कहीं कोई बम तो नहीं? ग्रैनी के दुश्मन की चालोगी हमारे बगले को उड़ाने के लिए उसने बैठा होगा। नहीं नहीं, वो भी नहीं लगता। थैंक्स बूबी अपना बैच देने के लिए। इसी के मद से मैं अपना बैच वापस पा सकता हूँ। इससे पहले ग्रैनी आ जाए इसको छुपा देता हूँ। ये क्या हो रहा है? हेलो हेलो, अब तुम कौन बोल रहे हो? मैं कौन बोल रहा हूँ? तुम कौन बोल रहे हो? मैं परमैन। परमैन? तुम इसके अंदर से बोल रहे हो क्या? ये मेरा एक गैजेट है। ओह, गैजेट। देखो तुम जो कोई भी हो, प्लीज मेरे बैच को मत घुमाना, इसका ध्यान रखना। डोंट वरी सुपर, मतलब परमैन जी, मैं इसका ख्याल रखूंगा। मित्सुओ, मुझे बैच की लोकेशन पता चल गई है। लोकेशन पता चल गई है? मुझे तुम्हारी लोकेशन पता चल गई है, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या? अरे नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है। हेलो हेलो, अरे बिटवा बिटवा, तू किससे बातें कर रहा था? बात किसी से भी तो नहीं? नहीं नहीं, मुझे किसी की आवाज तो आ रही थी। वो हाँ, वो इविल और नांटी ने अपने स्कूल में ना एक प्ले रखा है, तो मैं उसके डायलॉग याद कर रहा था। तुझे उसका प्ले करने की क्या जरूरत थी? तू भी ना, चल आ जा, खाना रेडी है। हाँ ठीक है ग्रैनी, आता हूँ। अरे ये परमैन तो कभी भी यहाँ पे आता होगा, क्या होगा? यही वो घर है जहां मेरा बैच है। कौन है तू? मैं परमैन। अरे ये आप क्या कर रही हैं?
अरे मैं तो कैद हो गया हूँ, हेल्प, कोई मेरी हेल्प करो। बिटवा, आज मैंने तेरी सारी फेवरेट डिशेस बनाई है। वाओ ग्रैनी। और बाबू तुम्हारी भी। वाह जाना, आज तो तुमने कमाल कर दिया। क्या बात है ग्रैनी ग्रैंडपा, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे खुशी की बात तो है ही, मैंने एक नया शिकार पकड़ा है, उसका नाम है पारमैन। क्या मतलब वाह। मैं तो इस नए शिकार की टंगड़ी खाऊंगा, मजा आ जाएगा। वाह बहुत दिन हो गए नरम नरम मांस खाए हुए। और बेटवा कान खोल के सुन ले, अगर तूने उसे भगाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं नहीं ग्रैनी, मैं ऐसे कुछ नहीं करूंगा। मुझे परमैन की मदद करनी ही होगी, बेशक इसके लिए मुझे ग्रैनी का गुस्सा ही क्यों ना झेलना पड़े। अरे मैं कहाँ फंस गया, जिससे मेरी बात हुई उसने मुझे धोखा दिया है, उसी की वजह से मैं यहाँ पर फंसा हूँ। परमैन? हाँ तुम कौन? हाय परमैन, मेरी तुमसे बात हुई थी, याद है? बात हुई थी? मेरा बैच, ये लो। तुम मुझे यहाँ से आजाद होने में मदद कर सकते हो प्लीज? तुम्हें खोलने का भी कुछ फायदा नहीं है, यहाँ पे इतने सारे सुपरमैन आ चुके हैं लेकिन उनकी सुपर पावर यहाँ पे काम नहीं करती। क्यों? ग्रैनी ने यहाँ पर एक यंत्र लगा रखा है जिसकी वजह से सुपर हीरोज की पावर यहाँ पे काम नहीं करती। Oh, no. लेकिन मेरी बात सुनने से पहले ही तुम यहाँ पर क्यों आ गए? वो क्या हुआ कि मुझे बैच लेने की इतनी जल्दी थी कि मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। हमारे जो मास्टर है ना बर्डमैन, अगर उनको पता चलता कि मेरे पास मेरा बैच नहीं है तो वो मुझे जानवर बना देते। तुम्हें बर्डमैन का डर और मुझे ग्रैनी का। घबराओ मत दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना? हाँ भूख तो लगी है दोस्त। ग्रैनी ग्रैंडपा सो रहे हैं तो मैं तुम्हारे लिए अभी खाने के लिए लेकर आता हूँ, लेकिन प्लीज शोर मत मचाना और कुछ मत बोलना। अगर ग्रैनी उठ गई तुम अपने साथ साथ मुझे भी मुसीबत में डाल दोगे। ठीक है मैं बिल्कुल शांत रहूंगा। आई विल बी राइट बैक। ग्रैनी आपने इस परमैन को पकड़कर बहुत अच्छा किया, एक नंबर का शातिर लग रहा है शातिर। फिलहाल मुझे ग्रैनी के सामने ऐसी बातें करनी होगी ताकि ग्रैनी को शक ना हो जाए कि मैं परमैन की मदद करने वाला हूँ। हाँ बिटवा तूने बिल्कुल सही कहा, इस बार वो मेरे चुंगल से बच के नहीं जा सकता। वैसे ग्रैनी आप इस परमैन का करोगी क्या? अरे बताया तो तुझे मैं उसे खाने वाली हूँ, वो भी मैरिनेट करके। सुल्टी बस कल तक का इंतजार करो, मैं एक स्पेशल मसाला लेकर आऊंगा जिससे उसका जायका और बढ़ जाएगा। मजा आ जाएगा बिटवा, आई कांट वेट टू ईट हिम। मैं ऐसे हार नहीं मान सकता, परमैन को बचाने का कोई तो रास्ता होगा। हाँ ये सही आइडिया है। ग्रैनी ग्रैनी, अरे क्या हुआ, इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे आपको पता है हमने किसको कैद किया है? किसको कैद किया है क्या मतलब? चूचू चार्ल्स के राइट हैंड को। क्या? हाँ ये परमैन चूचू चार्ल्स का खास आदमी है। अरे ये तू क्या बोल रहा है? ग्रैनी अगर चूचू चार्ल्स को पता चला ना कि आपने परमैन को किडनैप किया है और उसको खाने की तैयारी कर रहे हो तो हम सबको खा जाएगा। अरे बिटवा अगर मुझे पता होता ये चूचू चार्ल्स का आदमी है तो मैं इसे क्यों किडनैप करती? ग्रैनी परमैन ने बताया कि चूचू चार्ल्स ने उसको यहाँ पे अंडे ढूंढने भेजा है। चूचू चार्ल्स कभी भी यहाँ पे आता होगा। ग्रैन जल्दी से उसको खोलो। चल चल बिटवा जल्दी से इसे आजाद कर देते हैं। हाँ हाँ जल्दी करो। आप बाया ना ऊंट
पहाड़ के नीचे। परमैन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। रेनी सॉरी परमैन, हमें माफ करना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे हमें नहीं पता था तुम चूचू चार्ल्स के आदमी हो। चूचू चार्ल्स? ओह नो। हाँ दोस्त ये सब हुआ कैसे? ये बहुत लंबी कहानी है परमैन, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, तुम यहाँ से जाओ। अरे स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे नहीं। चूचू चार्ल्स कौन हो तुम? इट्स मी चूचू चार्ल्स, इस बार आया हूँ तो अंडे लेकर ही जाऊंगा। कहाँ है मेरे अंडे? बिटवा ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है क्या? ग्रैनी मैंने आपको झूठ कहा था। क्या तूने मुझसे झूठ बोला? ग्रैनी आप चाहते हो कि परमान हमें चूचू चार्ल्स से बचाए? तो आपका जो यंत्र है उसकी पावर जल्दी से कम करो। बेटा ये ले रिमोट और इस यंत्र को बंद कर दे। ठीक है ग्रैनी। परमैन अब तुम अपनी पावर्स यूज कर सकते हो। परमैन ये चूचू चार्ल्स हमेशा आके हमें परेशान करता है, इसे अच्छे से सबक सिखाना। मैं परमैन हूँ, तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ, इन लोगों को सताना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। अच्छा तो तुम मुझे रोकोगे? तुम्हें चूचू चार्ल्स की ताकत का अंदाजा नहीं है। हम तो परमैन का बहुत बड़ा फैन हूँ, ये चूचड़ा तो परमैन के सामने पानी कम चाय है। अब देखो परमैन का कमाल। बचाओ! अरे अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे! नहीं! क्या बात है परमैन! लो अब आप चूचू चाल से सुरक्षित हैं। थैंक यू परमैन बच्चे, और हाँ अपने ग्रैनी को माफ कर देना। भूल चूक माफ करना परमैन बेटा। इट्स ओके ग्रैनी ग्रैंडपा। बिटवा अगर तू चूचू चार्ल्स की झूठी स्टोरी ना बताता तो हम इसे छोड़ते भी नहीं और ये हमारी मदद भी ना कर पाता। हमारा बिटवा भी किसी सुपर हीरो से कम है के। चलो दोस्त अब मैं चलता हूँ। बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखना, आपसे मिलने जल्दी आऊंगा। बाय परमैन। हमसे मिलने जल्दी आना परमैन, यू आर बिग फैन। ओके सी यू। चलो दुनिया को परमैन की जरूरत है। ईस्ट और वेस्ट, बिटवा इज द बेस्ट। हाय गाइस, आई होप आपको परमैन को ग्रैनी के साथ देखकर खूब मजा आया हो। तो फटाफट से मोहक मिथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग नई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको परमैन को इतने दिनों बाद मिलकर कैसा लगा ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मिथ।